मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, हम अररिया जिला से, अररिया जिला के जोकी विधानसभा के पलासी प्रखंड से बोल रहे हैं। जी बोले सर कि हम लोग विगत 3 सालों से मजबूर है सीटेट बीटेट पास करने के बावजूद भी, और आज न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज मिल रहा है कि 23 अप्रैल को मतलब कि नोटिफिकेशन देंगे और 7 जुलाई तक उनकी बहाली करवाया जाएगा। इनके बीच में फिर दिसंबर वाला सीटेट होने जा रहा है और फिर वैकेंसी भी बहुत कम ही दिख रहा है, मात्र 80,000 प्लस 1-8 नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं सर। अभी हम संगठन के चुनाव में लगे हुए हैं, इसलिए अप टू डेट जानकारी है नहीं ना? मैंने अप टू डेट जानकारी नहीं है सर, आप तो प्रवक्ता हैं, आपको मान्य प्रवक्ता है, पार्टी का चुनाव चल रहा है ना संगठन का, राजद के संगठन का चुनाव चल रहा है ना, आप राजद के साथी हैं, जानकारी है नहीं है? तो सर फिर तो हम लोग के लिए कुछ तो कृपा किया जाए ना। चुनाव चल रहा है, हम राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं, हम उसी में अभी व्यस्त हैं, इसलिए जानकारी है नहीं हमको, इसे कोई जानकारी दे नहीं सकते हैं। नहीं सर, हम आपसे यही आग्रह करते हैं, यदि मतलब सरकार 2022 तक अगर हम लोगों का बहाली नहीं करवाता है तो सर एक पार्टी फिर न्यू आपका फिर अपने बिहार में ही क्षेत्रीय पार्टी आविष्कार हो जाएंगे, वो भी सीटेट पात्रता परीक्षा पास पार्टी, इसलिए हम ये मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है सर। युवा हम लोग अगर नौकरी ले लेंगे तो हम लोग मान लीजिए मेरे ही परिवार में 5 वोट है, हम हमेशा आपको ही वोट देते हुए आए हैं। सरफराज भाई हमारे मतलब की यहाँ के सांसद रह चुके हैं, शाहनवाज भाई हम लोग के विधायक हैं, ऑलवेज हम लोग तेजस्वी भैया को लेकर के वोट देने का काम किए हैं, लेकिन आज हमारी सरकार मेरी बात नहीं समझ रही है, हम लोग को काफी लाचार मजबूर दिवस हो चुके हैं। तो आप लोग के माध्यम से सर हम यही कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम हम लोगों की प्रताड़ना सुनने का काम कीजिए और हम लोग का काम करवा दीजिए। सुनिए ना, आप लोगों का यही भाषा जो है ना, हेलो, हाँ बोलिए सर, आप लोग का यही धमकी जो है तो आप लोगों का परेशानी कहाँ बन गया, अब लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को तो नौकरी मिलेगी, तो हम लोग किसी को नहीं, किसी को नौकरी मिलेगी। आप लोगों को बार बार हम शुरू से कह रहे थे कि माने थोड़ा भाषा पर संयम रखिए, सरकार करने जा रही है तो आप लोग तो जो है किसी का बात माने नहीं। हम लोग आप लोग जो है अभी भी वही माने बात आप इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए कैसे जो है कोई आपको नहीं ये सर बोलिए, बार बार अगर किसी इंसान को ठोकर लगेंगे तो वो इंसान तो गुस्सा में आकर कुछ बोल ही देता है। बात मांगी ये है कि अगर आप उनका मजबूर गुस्सा में आके आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, पैर से कुल्हाड़ी कहाँ मार रहे हैं? जवाब दीजिए ना, आप वोट नहीं दीजिएगा, जिसको मिलेगा वो देगा कि नहीं देगा, उसका भी परिवार है, बाल बच्चा है। हम लोग किसी को मिलेगा ही ना, हाँ वो तो मिलेगा, बोले शिक्षा का अभ्यर्थी हम लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, वो जो है अब मजबूरी है, लाचार आदमी को ना मिलेगा। और हम लोग बात रखने का तरीका होता है, शुरू से आप लोग को कहा गया था आप लोग जो है अपना आप अति में थे, तब उसमें क्या कर सकता है, कोई आदमी कैसे मदद कर सकता है, करेगा। और आप जो है तो अपना ढंग से सड़क पर उतर गए, मैंने हंगामा कति कर दिए, तब उसमें क्या कोई आदमी क्या मदद कर सकता है? नहीं सर, सरकार नहीं सुन रही थी बात, तब ना सड़क से मजबूरन ना करना पड़ रहा है। सरकार सुन रही थी, सरकार तो जैसे वो तो ली और बोली, सरकार तो सुन रही थी, सरकार कैसे नहीं सुन रही, सरकार तो वो तो ली, डिप्टी सीएम बोले, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री बोले, लेकिन आप लोगों को मैंने जैसे हम जैसे आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, अति कर रहे थे, लेकिन आप किसका बात माने, आप लोग किसी का बात तो माने नहीं। नहीं सर, हम लोग तो माने थे, डिप्टी सीएम बोले, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री बोले, लेकिन आप लोगों को मैंने जैसे हम जैसे आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, अति कर रहे थे, लेकिन आप किसका बात माने, आप लोग किसी का बात तो माने नहीं।
नहीं सर, हम लोग तो माने थे आज तक है, मान लीजिए हम लोग का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के अनुकूल हम लोग आंदोलन किए, तो सरकार का भी अधिकार है लोगों को नौकरी देना, उसको अपना जो है तो किसी के नौकरी तो मिलेगा किसी, अब ये को ना शिक्षक अभ्यर्थी को ना दूसरे को मिलेगा, बिहार के आदमी कितना मिलेगा सर आप बोल रहे हैं जारी, उसके पास मिला जारी है वो भी